तो सबके पास मैंने निशाना एंड वेलकम टू चैनल। सो टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग टू बी प्लेइंग असासिन्स क्रीड 2 अगेन, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम लोग पता नहीं क्या करने वाले, क्योंकि लाइक लिटरली ये गेम कब क्या क्यों करता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। जैसे लास्ट एपिसोड में मैं सोचा चलो ट्रेजर हंटिंग करते हैं, पता चला कि ट्रेजर हंटिंग नहीं कर रहे हम लोग तो पता नहीं और ही कुछ टूम्स ढूंढ रहे हैं। पता नहीं वो ट्रेजर हंटिंग ही थी, बट उसके पीछे जो मैंने तामझाम में जो मैंने पार्कोरिंग करी है ना भाई, मैं ही बता सकता हूँ मैंने क्या किया है। सो गाइस, ऑफलाइन जाकर मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें काम की है, मतलब लाइक कुछ खास नहीं किया। मतलब एक और असासिनेशन टूम में गया था जिससे कि मेरे को एक सेकंड पार्ट और मिल गया। सो अभी हम लोग उधर खड़े हैं जहाँ पे एक्चुअली में मेरी आई थिंक आधे ज़्यादा फैमिली को मेरे सामने फांसी लग गई थी, बिकॉज मैंने एक्चुअली में मैं टाइम पर नहीं पहुँच पाया, तो इधर ही बहुत सारी भीड़ थी। सो अभी हमारे को फिलहाल जाना है एक्चुअली में, अभी हमारे को एक्चुअली में कहीं कहीं ना कहीं तो जाना है, बस पता नहीं कहाँ जाना है क्यों जाना है। सो देखो, अभी ना लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक्चुअली में एक राजा को बचाया था जो कि मर रहा था, है ना, और वो फ्रॉम पाजी पिज्जा, पता नहीं जो भी था उसका आर का नाम, है ना, तो कोई पिज्जा से हमने उसको बचाया था। एक बार कॉन्स्पिरेटर इसमें चेक कर लेते ना क्या है उसका नाम, इनका नाम भी इतना ज़्यादा मुश्किल सा है, कहूँगा कहूँगा हाँ फ्रांचेस्को दे पाजी, है ना। तो ये जो है ना, इस बंदे ने ना एक पूरी की पूरी फैमिली पर अटैक कर दिया था, जो इसके फैमिली में से उसका भाई तो मर गया मेरे सामने के सामने। मुझे नहीं पता मैं क्यों गवारपंथियाँ कर रहा था, है ना, और मैं बस उसका मर्डर होते हुए देख रहा था उस राजा की फैमिली का, पर मैंने उस राजा को बचा दिया। मतलब भाई राजा भाई कितना रिग्रेट हो रहा होगा कि उसका भाई मर गया, है ना, और उसके साथ साथ मतलब उसकी मतलब कि फैमिली भी होगी यार, वैसे सिंगल ही दिख रहा था लौंडा, बट स्टिल जो भी है ना, बट स्टिल भाई मतलब हर बंदे की एक जिंदगी होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है। इस बंदे ने उसको भाई एक सेकंड में ही खत्म कर दिया, पता नहीं क्यों, बट अभी कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस अभी हम लोग एक्चुअल में जल्दी से जाते हैं, आई थिंक हमारे को फ्रांचेस्को दे पाजी जो है ना, हाँ पिज्जा, हम लोग इसका सरनेम रख देते हैं पिज्जा, ठीक है। तो जो पिज्जा है ना एक्चुअली में ये जो है ना, क्या हुआ इसके साथ पता नहीं। अभी ये देखो, ये रहा एक चोर, ओ गवार चोर, कभी तो चोरी करना बंद कर दे भाई, शर्म कर थोड़ी। गाइस मेरे को ना एक और कोडेक्स मिल गए थे, बताना भूल गया। तो गाइस देखो, कोडेक्स क्या होता है ना, वो हमारे को ना कुछ असासिनेशन टेक्निक्स या कुछ ऐसी नई नई चीज़ें सिखाते हैं, या कुछ ऐसे वेपन्स या कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं, है ना, जो कि एक्चुअल में हमारे को ना बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, समझ रहे हो। एक्चुअल नहीं समझ आया होगा, मतलब कोडेक्स एक तरीके से ना वो निंजा टेक्निक है जिससे कि हम लोग या तो कोई चीज़ सीख सकते हैं या फिर हम लोग कोई नया वेपन बना सकते हैं, है ना, मतलब बनवा सकते हैं, ठीक है। अब ये बनाएगा कौन, तो ये है हमारा लियोनार्डो दी कैप्री, आई मीन डाविंची, हाँ सॉरी डाविंची, हाँ तो लियोनार्डो दी डाविंची मेरी मदर का बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड था, या मेरी मदर का एक फ्रेंड था जिसने मेरी हमेशा हेल्प करी है ना, बट फॉर नो रीज़न एट ऑल वो बंदा हमेशा सोचता है कि मैं कब का मर चुका हूँ फॉर सम रीज़न, ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता उसका। तो अभी हम लोग जल्दी चलते हैं और इस बंदे से बात करते हैं। तूने देखा नहीं भाई, वो हो चुका है। है कौन अंदर, कोई मेरे को ये बताएगा? अच्छा अभी हम लोग फ्रांचेस्को दे पाजी को मार सकते हैं। चलो जी, एट लास्ट इनकी चोमुओ जैसी फैमिली को तब कभी तो मैं एंड कर सकता हूँ, बट सबसे पहले पैसा, मनी इज माय मेन प्रायोरिटी, है ना, ये तो सब होता रहेगा, पहले पैसा उठाओ। मैं सही बताऊँ तो भाई इस गेम के जो पार्कोर है ना, मतलब लिटरली मेरे को ना पुरानी लाइक प्रिंस ऑफ पर्शिया वाली याद दिलाता है, मतलब लिटरली। इवन तो हाँ थोड़ा सा ग्लिची सा है पार्कोर, बट कुछ नहीं कर सकते, मतलब ऑब्वियसली तुम लाइक इतने पुराने गेम से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। एंड हम लोग इसको खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा नया उसमें, और एवरीबडी इज जस्ट इग्नोरिंग मी फॉर नो रीज़न एट ऑल। एक मिनट, कहाँ है बंदा फिर, अबे कहाँ है, दिख तो नहीं रहा यार, किसको मारना है। अबे लोग तो मेरे एक के बाद एक बंदों को मारे जा रहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू इधर आ इधर आ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की, आई मीन जो भी था वो मेरे सिपाही को मारने की, हाँ यार द राइट वर्ड, उसको मारने की हिम्मत कैसे हुई भाई इस बंदे की, लेकिन शर्म नहीं आती यार। वैसे इस बंदे ने भाई चार पाँच को उठा लिया एक साथ ही, चार या पाँच को एक साथ। ओके मैं इधर आ गया हूँ, तो ये रहा वो हमारा जिसमें मेरे पूरी की पूरी फैमिली एक्चुअल में एक साथ हुई थी। ओ तेरे को दुख हो रहा है ना, तेरा बेटा मर गया है ना, मुझे पता है भाई, मुझे सब पता है, आई एम अ रियली जीनियस गाय यू नो। वैसे हाँ भाई मुझे बड़ा ही लाइक बुरा लगा यार तेरा बेटा मर गया,
मतलब उसकी अगर वो अभी भी जिंदा होता ना, मैं बता रहा हूँ भाई वो कब का मर चुका होता। तो वैसे भी उसका जिंदा रहना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा यूजलेस था, है ना। और वैसे वो टेम्पलार्स का नाम गिरा था, तो मैंने पहले ही गंद को उड़ा दिया, क्योंकि देखो अगर तुम ना गंद को सफाई ना करो ना किसी भी चीज की, तो ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई मेरा लाइक एक तरीके से ना मेरे को करना ही पड़ा, समझ रहे हो। मेरा मन नहीं था, है ना, लाइक अभी वो छोटा बच्चा ही था, बट क्या करें, करना तो था ही, बट मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। वैसे इसके बेटे का नाम वियरी था, जो कि एक्चुअली मैं आई थिंक पूरे के पूरे लाइक कह सकते, इतना ज़्यादा बचकाना और इतना ज़्यादा ईजी सा टारगेट था ना मेरे लिए। मतलब मैं तो बता रहा हूँ भाई, उसको तो मैं सोते सोते उड़ा देता बच्चों की तरह। पहले देख लो भाई तुम, वन शॉट भाई, वन शॉट, वन शॉट, वन शॉट, सबको वन शॉट पड़ेगा, सबको लगेगा, सब सारे मरेंगे एक के बाद एक। लाइन से आओ, लाइन से, ऐसे नहीं, सारे एक के बाद एक मरेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं होता, सारे एक के बाद एक मरेंगे। बड़ा मार के दिखाओ, छू के दिखाओ। अबे सारे भाई ऐसे खड़े हो गए, ट्राई भी कर लो थोड़ा, क्या पता लग जाए एक दो शॉट भाई। इनको ना ट्राई करना कुछ, बहुत ज्यादा बदतमीजी जो हो रही है भाई हमारे यहाँ पर, देख रहे हो। ओके भाई ये आगे, और कितना भी चिल्ला रहे, फेफड़े फोल ले गवार इंसान, और तू उड़ के गिर नहीं जाए, गवार तू उड़ नहीं जाएगा ऐसे। पंछियों के पंछी उड़ सकते, इसका मतलब ये नहीं कि तू भी उड़ सकता है। ओके इस बंदे ने लिटरली सोच लिया कि बंदा पंछी बनू। ओके भाई इस भाई छोड़ दो, मुझे ना गुस्सा आ रहा है, सबको एक साथ, सारे एक साथ मरेंगे, सारे मरेंगे एक साथ, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, सारे एक साथ मरेंगे, ठीक है भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। आजा 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 भाई, मैं तो थक गया हूँ तुम्हारे गेम से, बता इस टाइम पर मर जा। तो भाई पहले बोल रहा था कि मेरे को एक गेम नहीं खेलता, अब ये बंदा भाग के कौन सा गेम खेल रहा है मेरे साथ भाई, पकड़म पकड़ाई, मैं नहीं खेलना चाहता यार, पक चुका हूँ पता है। ठीक है यार, जिंदगी और तुम लोगों ने बर्बाद कर रखी है मेरी, पता है। द टारगेट इज मूविंग फर्दर अवे फ्रॉम हू, वो तो जाएगा ही ना, वो तो भाग रहा फट्टू इंसान, नहीं भागेगा क्या वो, हैं? तुम लोगों ने बोल दिया और उसने सुन लिया, 50 पे होता है वैसे तो खत्म। चल भाई ये बंदा पता बहुत ज्यादा गवार है, चल ले यार, ये जियो क्यों पंतिया कर रहा है यार, रुलाएगा एट जियो मेरे को आज। देख एट जियो यार ऐसा मत कर, वैसे तो पूरे टाइम फ्लैक्स करता रहता है, वैसे देखो आप ये बंदा क्या कर रहा पंतिया, ओ चढ़ ले भाई, मैंने इसको मार दिया क्लास। ये बंदा खड़ा हुआ था बस वहीं पर। Now Firenze will judge you for what you've done. It's over. क्या भाई घंटा मेरे को पता चल रहा है, पता है ऐसे लोग मेरे को पता नहीं होते भाई। और तू मुझे ये बता, तू बंदा खड़ा क्यों हुआ था बीच में, ये बंदा बस पता है ऐसे चांद को देख रहा है भाई, जैसे इसको भागना नहीं है, ये बंदा किसी से बच ही नहीं रहा। चलो ठीक है एनिमी को ये थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे रहा है, बट मुझे ये बताओ तू स्पैनिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, जो भी तू बोलना चाह रहा है तू बोल, पर मेरे को भाई सबटाइटल्स में ना सिर्फ अंग्रेजी दो, मेरे को नहीं जानना हो क्या बक रहा है, मुझे लिटरल नहीं जानना हो बंदा फ्रेंच, जापान, लिबर्ता, लिबर्ता सीधा लाइब्रेरी बोलो ना, सॉरी लिबर्टी। गवार तू भी तो उनमें से एक है, तू भी तो एक टेम्पलर है, कैसा है, हाउ डू लाइक इट ब्रो। वो तेरे पर खुश नहीं हो रहे थे गवार, वो लोग उस पर खुश हो रहे थे। और भाई बिना कपड़े पहने कौन भेजता है ऐसे, फांसी पर लगा दिया उसने, वैसे वो ऑलरेडी मरा हुआ था, क्या कर रहा मेरे को। ओके बाय बाय आई गेस। भाई तुम मुझे ये बताओ, मतलब मेरे को लगा नहीं था हम लोग इतनी जल्दी उसको मार देंगे, मतलब देखा जाए डेटा देवे जाए भाड़ में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मेमोरी सिक्स सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेंस फोर अभी भी वही चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने फ्रांचेस्को मार दिया, उल्टो सॉरी उबर्तो को मार दिया, और वियरी दीपाजी को मार दिया। तो अब हमारे लिए बच रहा है ये दो लोग, एक वो बंदा है ना, और एक वैतीन पता नहीं कौन है जिसकी हमारे को कोई भी आइडेंटिटी नहीं पता है ना। अरे तूसान का तूसान थी, मतलब ये बंदा हमारे को तूसान की में मिलने वाला एक जगह है, और उन सबको कंट्रोल करता है वो बुर्गिया। मुझे लिटरली पता, ये सारे पाजी पाजी के बीच में ये बुर्गियो कहाँ से आ गया है, वैसे आई थिंक अब अल्बर्ती भी वही है, बट वो तो अलग है ना,
मतलब इनका रूलर मतलब मेरे को लगा था पाजी होगा कोई, बट नहीं है। करना क्या, कोई मेरे को बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? भाई ज्यादा पी ली क्या तूने अजी? और देख मैंने बोला था यार सस्ती वाली नहीं लेनी चाहिए तुझे, क्या हुआ अब? वैसे क्या एक्चुअल में 2-3 साल तो बीत चुके जब से मैंने गेम स्टार्ट किया था, मतलब इस गेम के हिसाब से। बट इस बंदे का अभी तक दाढ़ी मूछ नहीं निकली यार, अभी तक भाई बिल्कुल क्लीन शेव्ड। मतलब मेरे भी भाई आ रही है इस टाइम तक तो। When I was 6 years old, I fell into the Arno. मुझे नहीं जानना तेरे साथ क्या हुआ था जब तू 6 साल का था, and into darkness. तो बचा बस मेरे को तू ये बता दे तेरा मॉरल क्या है स्टोरी का, मुझे और कुछ नहीं जानना। Instead, I लिटरल woke यार इतनी up कहानियां सुनते सुनते पता मैं पक गया है, मेरे कान भी। at her sides to the मैं stranger, सुन मैं ये सोचता रहता हूँ ये soaking बता क्यों रहे हैं मेरे को। and smiling at me. My mother explained that he had saved me. मदर So मदर began a एक्सप्लेन long, मी दैट ही हैड prosperous सेव्ड मी। relationship between two families, क्या 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 क्या? yours and mine. अच्छा I am sorry ये I मुझे could not पता था। save your father and brothers. You have nothing to apologize for. I believe Jacopo De Pazzi played a part in their deaths. The attack on you as well. I need to find him. That coward fled before we could arrest him. Have you any leads? No. They've hidden themselves well. Hey, Jacopo was not the only conspirator to escape. तू सीरियसली बता If रही they चीज? work with Jacopo, they were surely involved in the plot against my family as well. Give me their names. Antonio Maffei, Archbishop Francesco Salviati, ये क्या Stefano नाम है? D'Avagnone, and Bernardo Baroncelli. ये क्या नाम है भाई? I'll go and see my uncle. He has men stationed in the countryside. Wait. Before you go. हाँ चलो भाई मेरा रिवॉर्ड चाहिए मेरे को। Codex page. I took it from the files of Francesco De Pazzi, seeing as he clearly no longer needs it. Well, that's a really good mind you have. भाई बंदे ने दिमाग बहुत ही अच्छा लगा इस चीज में। It is meaningful to me as well. Then consider it a gift. गिफ्ट नहीं मेरे को पैसा चाहिए, पैसा रिवॉर्ड। जो मैंने तेरे लिए काम किया ना, तू अभी मरा हुआ होता कहीं सड़कों में, ठीक है ना? लोग रो रहे होते कि तू मरने वाला है, ठीक है ना? मुझे रिवॉर्ड दे दे, ठीक है ना? एक मिनट, फैमिली एकदम से बढ़ कैसे गई? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो ये पहले 4-5 कुछ लोग थे जो कि जाकोबो दे पाजी से कनेक्टेड थे। ये क्या है? ये का है? ये क्या है? ये इतने सारे और नाम कैसे आ गए? अब तो मैं सोच रहा हूँ अगर ये है ना भाई, और तुम ऐसा करो इस सॉरी इस एटम के शेल के अंदर ना और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरते जाओ, है ना? और मैं उन सब का देख लूंगा, है ना? ये और भरते जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ, है ना? ये तो भाई ये तो बहुत ही कम है ना? और बढ़ते जाओ, पूरा भर दो भाई, जगह ही ना बचे, इतना कर दो। पागल समझ के रखा हुआ है भाई, इतने लोगों का असैसिनेट मारूंगा कैसे मैं? और एक वो था भाई गवार फ्रांचिस्को दे पाजी, भागे जा रहा फिर पता नहीं कहाँ खड़ा हो गया एकदम से चांद को देखते हुए। मार दिया मैंने भाई, इतने आलसी लोग हैं भाई, मेरे को ये समझ नहीं आता। मतलब क्या सोच के भाई क्या किया होगा भाई? वो तो मुझे भी पता है यार। अच्छा मतलब अगर कहीं पे भी लाइक कोई टेम्पलर एक्टिविटी होगी तो मेरे को बस उधर जाना है, सही है? चलो ये देखो एक और चोर आ गया। अरे तुम चोरों के पास और कोई काम नहीं है चुराने के अलावा, भागने के? देखो सो गाइस वी आर बैक हियर अगेन। पता नहीं आई थिंक मैं दूसरी बार आ रहा हूँ लियोनार्डो के पास। हे भगवान, तू हर बार ये सोचता है कि मैं मर गया है, मैं ठीक नहीं हूँ। Not exactly. Well, whatever your reasons, the city is safe again thanks to you. Now tell me, how may I be of service? और मेरे को कोई पैसा भी नहीं देता, मतलब कितनी ज़्यादा sad life है। My life is so sad. It's a similar cipher to the last one. This won't take long. Interesting. कर तो ऐसा रहा है जैसे पता नहीं कौन सा नहीं नया एलिमेंट डिस्कवर कर रहा है ना, जिसका फॉर्मूला बना रहा है। For delivering poison. Wait, what? You build it? See, it won't take very long. I just need to find. अरे भाई तू ऐसा करता है। Without sacrificing the ring finger. Right, Leonardo. Just do what you need to do. मैं अपनी रिंग फिंगर आई मीन मिडल फिंगर फिर से काटने वाला हूँ। वैसे नॉर्मली I filled your blade with a bit of poison to start with. Should you run out, just visit a doctor. Poison? From a doctor? In high enough doses, that which cures can kill.
I am in your debt once more, my friend. Anytime, Ezio. Anytime. पता नहीं क्या हो भाई, ये लोग क्या समझ के रखा है भाई मेरे को। एक बार फिर भी ट्राई कर सकते हैं, आई थिंक। अब यार इसने फिर से डमी हटा दिए यार, चल कुछ नहीं होता। जल्दी से चलते हैं अभी हम लोग, है ना, और टेम्पलर के पास चलते हैं, क्या पता हमारा कुछ अच्छा मिल जाए वहाँ पर। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं और मेरे पीछे गार्ड्स पड़े थे, बट लिटरली वो लोग पता नहीं एकदम से हट गए। उनको लगा भाई कौन सी गॉडली पावर है कि ये बंदा एक्चुअल में दरवाजे खोल सकता है। यार हम तो कभी खोल ही नहीं पाए इस बंदे को। ये भाई, ये बंदा तो एक बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान होगा, इसे पंगा नहीं लेना चाहिए। वैसे ओके, पैलाजो में सेव लॉरेंजो फ्रॉम द लॉरेंजो कौन है ये? चल जो भी है जल्दी चलते हैं। पर ये लॉरेंजो है कौन जिसको मैं सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ? ओके ये कौन है? ओके मेरे को नहीं देखना चाहिए भाई। सो गाइस आई थिंक ये लोग एक्चुअल में से पंगा लेने की बहुत बुरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली इनको भी पता, मुझे पता कि ये लोग हरा तो सकते नहीं है, चाहे इनको 100 साल लगे चाहे 200 साल, है ना। अब चाहे इनको पता हो मैंने इनके कैसा इनके उसको मारा सरदार को या ना पता हो, फिर भी सबको मरना ही है। तो आई वुडंट स्पीक मच अबाउट दिस वन, पर लेट्स गो, है ना। मतलब भाई क्या उखाड़ भी क्या लेंगे ये लोग एक्चुअल में जानकर भी। मुझे लिटरली नहीं पता किसी घर में इतनी बड़ी अलमारियाँ हो कह सकती हैं, बट अभी हमारे को इस बड़े से लीवर को एक्चुअल में दबाना है ना, पता नहीं क्यों बस दबाना है, ठीक है, और उससे पता नहीं क्या हो जाएगा, बट आई थिंक कोई दरवाजा खुल जाएगा फॉर नो रीजन एट ऑल, है ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो गाइस समबडी इज गोना हैव अ बैड डे हियर। Yep. As I said, somebody's gonna have a bad day. Really bad one, though. भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ उस बंदे क्या जा रहा होगा, कि उसका कैप्टन मर गया भाई, वो नहीं मरा पहले, फिर ओ चलो अच्छा ब्लेड भी है यार यहाँ पर, तो चलो यार मारो, मेरे पास टाइम नहीं है, तू भी मर जा। और पता ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कैमरा एंगल एक्चुअली बार बार वो हो रहा है ना चेंज घूम रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, ये अपने आप ही हो रहा है, मेरा कंट्रोल खराब है जैसे मैंने बताया। ओके गाइस एट लास्ट हम लोग लोरेन, लोअर योर सोर्ड, इट्स मी एत्सियो, अगेन यू सेव मी, एक मिनट वेट, व्हाट? अबे वही है ना, आई विल हंट देम डाउन, दे वोंट कम नियर यू अगेन। एक मिनट, तो इसी के किले के अंदर, इसी के गार्ड नहीं, इसी के किले के अंदर लोगों ने इसको बिट्रे कर लिया। थैंक्स फॉर व्हाट यू हैव डन। ओके एट लास्ट आई गॉट माय रिवॉर्ड। Yes, signore. Thank you for this most gracious gift. I must go, but I will come to you again when all the Pazzi are dead. नहीं सर, भाई सबसे पहले पता क्या करना है? सबसे पहले इन चेस्ट को लेना है, क्योंकि अगर कभी कोई रिवॉर्ड देता है ना तो वो ले लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए इस गेम के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इतना काम किया तो भाई इतना तो आई डिजर्व, ठीक है ना, इतना आई डिजर्व, ठीक है। वैसे अभी हमारे पास एक और लाइक कह सकते हो सीक्रेट गेट है, और कुछ ज्यादा ही सीक्रेट हो गया भाई ये, कुछ ज्यादा ही। वैसे कुछ रिवॉर्ड तो मिले एटलीस्ट, कुछ ना करके भी कुछ तो किया हमने एट लास्ट, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई। सो गाइस एक्चुअल में इस गेम के अंदर ना और भी बहुत सारी चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल असैसिन्स टूम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, अभी होता क्या ना इधर ना एक्चुअल में अल्टायर, जो कि एक्चुअल में असैसिन्स क्रीड 1, बाल कैसे हैं इसके, अलग है भाई, कैट ईयर से इस बंदी के पास, जर देखे बहन जी से दिखाई, अबे सही में कैटियर से है यार बंदी के पास। अबे जब कैटियर्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब से है क्या यार? ये तो बड़ा सही हेयर स्टाइल है यार। तो क्या हुआ, आते यार जो है ना, जो एक्चुअल में असैसिन्स क्रीड 1 का प्रोटैगनिस्ट है ना, जो कि एक्चुअल में कह सकते हो भाई इमोर्टल्स का उसमें आ सकता है, क्योंकि भाई मुझे तो लिटरली लगता है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब वो भी एचजीओ के जितने पावरफुल है। तो एक्चुअल में क्या हुआ ना, उसका आर्मर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट है, और अगर हमारे को एचजीओ के साथ परफेक्ट सिंक्रनाइजेशन चाहिए, मतलब तो हमारे को ना वो एचजीओ का आर्मर चाहिए, आई मीन ये वाला आर्मर चाहिए हमारे को, है ना। पर प्रॉब्लम है इधर, ठीक है, इधर यही प्रॉब्लम है कि इसको खोलने के लिए ना हमारे को 6 कीज चाहिए, है ना, जो कि हमारे अंकल नहीं ढूंढ पाए, बट हम लोग ढूंढ सकते हैं। तब वो जो 6 कीज है ना, उसमें से 2 मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो इसका मतलब मेरे को आई थिंक एक्चुअली 6 है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई पक्का पक्का 6 ही चाहिए या क्या पता और भी चाहिए हो, बट मेरे हिसाब से तो भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ अभी 4 और चाहिए और मेरा काम हो गया, और इसके और अगर ये हो गया तो इसके बाद बस 3 और चाहिए होंगी, तो काफ़ी है। तो अभी पहले ये करते हैं और फिर मैं एक्चुअल स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ।
सो गाइस एक्चुअली मैं ना ये इंस्क्रिप्शंस पढ़ रहा था, तो मैंने एक्चुअली में पूरी स्टोरी देखी कि एक बंदा था वो एक्चुअली में ये करता था, फिर वो एक्चुअली में इटली स्पेन आया है ना, और उसने ना मतलब पूरे अपने वॉयज की पूरी जर्नी बताई, फिर उसने एक्चुअली में बताया कि उसके साथ ये हुआ, मतलब उसकी फैमिली के साथ ही हुआ है ना, उसकी वाइफ के साथ हुआ, वो कैसे लाइक वो एक लेडी से मिला, वो 20 साल की थी, मतलब ऐसे हुआ ना लाइक वो फिर उसको उसने मतलब उसने उससे मैरी कर लिया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसने बताई, तो मेरे को एक्चुअली में पूरे को पूरा इनका लाइक पता चल गया कि हाउ दे वर एक्चुअली लाइक मतलब ऑडिटोरी लाइक क्यों खिलाते हैं ना, कोई रीज़न तो है ही ऑब्वियसली, ऐसे तो हो नहीं सकता कि ऑडिटोरी बस ऐसे मज़े में खिलाते हैं है ना, तो एक्चुअली में पूरा मेरे को इनका नाम क्या कहाँ से है ये बंदा इस सब कुछ मेरे को पता चला इन इंस्क्रिप्शंस वगैरह से। सो गाइस अभी हमारी सिटी की वैल्यू अराउंड 46K है और हमारी कंप्लीशन 31% है, ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ें अभी बच रही हैं क्योंकि उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं बचा, बट मैंने लिटरली जितनी भी चीज़ें थी ना सारी की सारी खरीद लिया, अब जो बच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड बच रहे हैं, वो भी सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों के लिए, मतलब मैं दिखाई देता हूँ इससे बात करके। सो एज यू गाइस कैन सी आई हैव बॉट एवरीथिंग लाइक एवरीथिंग दिस थिंग हैज टू ऑफर, बट अभी जो चीज़ बच रहा है अब देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखो ये ना हमारे अंकल की सिटी है, तो हम लोग ना इसको एक्चुअल में रेनोवेट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना एक्चुअल में बैंक को सबसे पहले अपग्रेड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आर्ट मर्चेंट वगैरह ये तो सारे बाद में होते रहेंगे, बट जो हमारी मेन चीज़ है ना वो होने चाहिए हमारे ब्लैक स्मिथ है ना ब्लैक स्मिथ होना चाहिए, वो ब्लैक स्मिथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को, ब्लैक स्मिथ और बैंक है ना और टेलर, बस यही दो तीन चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब कुछ मेरे लिए हो रखा है, मतलब एवरीथिंग मतलब सब कुछ हो रखा है, बस मेरे को यही जो जिनके पास सिर्फ थोड़े बहुत अपग्रेड्स है ना दो दो करके, तो बैंक का तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ है ना, जो भी बच रहा है वो है डॉक्टर ब्लैक स्मिथ एंड टेलर, बस सिर्फ यही बच रहा है, बस और कुछ भी नहीं बच रहा। तो अभी हम लोग अपने अंकल जी से बात करते हैं, और ये पता नहीं बार बार क्या हो जा रहा है ना, आई थिंक हमारे ओके आई थिंक चेस्ट से कलेक्ट करना है हमारे को पनी, ऐसा है क्या 4000 ऐसे ही आ गए भाई पैसा, ऐसे कर सकते क्या रैंडमली, अरे चल भाई मैं जब भी हूँ मैं तब भी कलेक्ट कर रहा हूँ, तो एक बार अपने अंकल से बात करते हैं, ऐसे कर रहे हैं पता नहीं कितने सालों से मिले। What is this? What profit? What did you find, Uncle? Just another damn mystery. The text here roughly translates to only the prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers, Nipote. At least, not on their own. You must find more. We'll have to save it for another day, Uncle. I have a mission to attend to. As you wish. What he ka bhai? If you hope to defeat these bastardi, I will need to teach you a few things. Meet me on the practice field. बचा ही क्या भाई सिखाने को मेरे को, पर भाई पर सिखा चल, तेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है यार मेरे से, कुछ नहीं कर सकते यार एक्सपीरियंस के उसमें। सो गाइस मेरे को ना एक्चुअली में किसी एंटोनियो माफिनियो के लिए एक्चुअली में असासिनेट करना कुछ नहीं है मेरे को, बस उसको असासिनेट मारना है ना, तो इसने मेरे को बोला है कि देखो इसके पास ना हर जगह मतलब वो जो गुप्तचर टाइप होते हैं ना, मतलब कह सकते हो लाइक वो जो बस जो छुपे रहते हैं पूरे टाइम है ना, बट इस बंदे के ना थोड़े से अलग है बंदा ना, लाइक ना दूर दूर से पता नहीं स्क्रिप्चर्स वगैरह पता नहीं क्या करता रहता है, और पोस्टर्स पता नहीं क्या क्या लाइक बनाता रहता है कंटिन्यूसली। अब देखो ये बंदा मुझे पता पागल है, बट ऑब्वियसली एक पागलपंथी की भी हद होती है और इसकी भी हद है ना, तो मेरे को इसको ठीक करना पड़ेगा, बट सबसे पहले इसके जो गवार्ड लोग हैं ना जो कि एक्चुअल में इसको गार्ड कर रहे हैं और इसके लिए पोस्टर्स पोस्ट कर रहे हैं, पहले उनको देखना चाहिए हमारे को, नहीं तो फिर हम लोग एक्चुअल में उड़ा तो किसी को भी सकते हैं ना, बट ये प्रॉब्लम है कैसे। सो गाइस मैंने अभी इसको उड़ा दिया, पता नहीं कैसे बस उड़ा दिया, अब यार आप तो मत दिखाओ, ये तो बस छोटा सा बच्चा था, ऐसे को पकड़ हुआ है जैसे पता नहीं कौन है वो तेरा, देख कैसे पकड़ हुआ है। I will. E tu possa al fine trovare riposo, corpo e nella mente. चलो ठीक है भाई तू बोल रहा है स्पेनिश या जो भी बोल रहा है, पर भाई समझ तो है, मेयर बॉडी एंड द रेस्ट पता नहीं क्या बोला इस गवार ने,
वैसे पता नहीं इसने बोला था कि जो बंदा तुम्हारे को देखे ना, मतलब आज जितने भी आर्चर हो उसको पहले उड़ाओ। मैंने क्या किया, मैं सीधा इधर चढ़ गया भाई, मैं बिना सोचे समझे इधर चढ़ गया। मैं बिना सोचे समझे कूद भी गया, मेरे को नहीं पता था ये कूदने की जगह है। ठीक है, तो अब हम लोग जल्दी चलते। एक बंदा तो टपक गया इस टाइम के लिए, है ना, तो और तो हमारे को कुछ करना नहीं। अब हम लोग बाकी के किसी और को उठाने चलते हैं। मतलब पता है मैप का ना सबसे बेस्ट ये कि ना सबसे ज़्यादा नियरेस्ट बता रहा है मेरे को कि मेरे इस लोकेशन के सबसे ज़्यादा पास कौन सा है, और उससे मैं इजीली उड़ा भी सकते। यहाँ पे एक असासिन टूम भी है, जो कि एक्चुअली मैं ना लाइक जब मैं रिकॉर्डिंग वाला टाइम में कर रहा हूँ ना वो ना करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पता 1.5-2 घंटा अपना वेस्ट कर दिया है ना असासिनेशन टूम्स वगैरह पर, है ना, मतलब बेकार में ही वेस्ट कर दिया मैंने। ये मैं ऑफलाइन कर सकता था, बट ये कि भाई रास्ते में कि चलो कर ही दो भाई, क्या जा रहा है, पर चले कहीं और हो जाओ। ओ भाई गॉड से को बेड़ा तू गवार, ये बंदा आज ना पिटने वाला है और मरने भी वाला है मेरे हाथों से नहीं, गार्ड्स के हाथों से। गार्ड्स तो भाई साहब पेलते हैं इस बंदे को बहुत ज़्यादा आसाम से। सो ये जो बरना तो बर्ची तो है ना, इसको ना लॉरेंजो ने एक्चुअली में अरेस्ट किया था, और फिर उसके बाद ना कहीं कुछ हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, बस कुछ ना कुछ तो हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से बंदा एस्केप कर गया, और अब ये बंदा ना कहीं पर है, और ये बंदा बोल रहा है कि भाई हम लोग जहाँ पे फेल होगा वहाँ पे तू क्या उखाड़ लेगा, मैं सब कुछ कर सकता। तो आई थिंक अभी हम लोग ना ये ओके समझ आ गया। तो ये जो जितने भी अभी हम लोग आई थिंक बर्नार्डो बर्नचिलो बर्नचिली उनचादो उनचिली जो भी है ये बंदे को उड़ा रहे हैं। अच्छा, मतलब जो जेकोब के डायरेक्ट अंडर आ रहे हैं ना, इन दोनों को हम लोग उठा रहे हैं, समझ आ गया भाई ईजिली। तो बस हमारे को अब एक जगह इस जगह पे जाना है, और आई थिंक ढूंढ लेना है बस, सिंपली मिल जाएगा। बस किसी गार्ड से नहीं भिड़ना, बाकी मेरा काम तो मक्खन चलेगा उससे अच्छा, क्योंकि ना इन लोगों से जितना भिड़ो उतना सेहत के लिए गंदा है। सो गाइस आई थिंक मेरे को मेरा टारगेट मिल चुका है, बस मेरे को थोड़ा सा छुप के रहना है एंड मेरा काम हो गया। ओके गुड इनफ, इजीली भाई इजी किल था ये। अबे तो वही मोटा सा इंसान है ना। Where is Jacopo? So you can do to him what you've done to me? There is still time for you to clear your conscience. We gather at the church when a meeting is called. अबे तो वही है ना जो बोल रहा था, we have axes, we have swords, we have daggers, we have axes, we have this, we have that, we have this. है ना, बंदे के पास दुनिया भर का, वी हैव मैन वी हैव दैट, बट बंदा स्टिल एक बंदे को असासिनेट नहीं कर पाया इतना सब कुछ होने के बाद भी। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी गई कहाँ तुम्हारी, कहाँ गई इतनी सारी टेक्नोलॉजी तो तुम्हारी थी, एक्सिस आई हैव दैट आई हैव दिस आई हैव दैट, दुनिया भर का कहाँ है वो तुम्हारी टेक्नोलॉजी है भाई, टेक्नोलॉजी तो भाई तुम्हारी गई पता नहीं दुनिया भर का। मेरे को याद आ गया वही बंदा है, मैं कैसे भूल सकता इसको। ये देखो भाई 16-16 गार्ड मेरे पीछे होते हैं हमेशा, पता नहीं क्या नशे करके बैठता हूँ मैं जो 16 गार्ड सूट खा के लगता हूँ अपने पीछे। अरे भाई माफ कर दो यार, क्या गलती कर दी मैंने, एक बंदे को तो असासिनेट किया है, नहीं करूँगा अगली बार से, क्या होगा तुम्हारे सामने। सो गाइस यही है वो मोनालिसा लियोनार्डो दी दा विंची, मैं वही सोच रहा था कि यही है वो बंदा, और मुझे मिल भी गया यही है वो बंदा। देखा लाइक मैंने कभी एक्चुअल में बिल्कुल भी गौर नहीं किया, लाइक ना मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया कि भाई मैं एक बार इधर ही देख लूँ, क्या पता इधर ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मैं गूगल पे जाने का कष्ट लूँ, है ना, जो कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ। और तुम लोग मेरे पीछे को पड़ गए, नहीं सुनना भाई तुम्हारा गाना मेरे को, की होगी तुमने बहुत मेहनत मेरे लिए, मुझे नहीं देखनी तुम्हारी मेहनत यार। हाँ ठीक है भाई, बाय बाय। सो गाइस आई थिंक हमारे को स्मोक बॉम्ब मिल चुका है, बस कहाँ है ये नहीं पता। ओके 3 है, कोई खास तो यूज़ मतलब हाँ है यूज़, बट वो तब है जब लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से लाइक जब ना लाइक तुम्हारे को बहुत ज़्यादा नीड हो इस चीज़ की। अभी तो वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग असासिनेशन कर रहे हैं। ओके याद आखिर पता, ये जो ईगल विजन है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लाइक मैं लिटरली बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकता हूँ। एक कहाँ है, ओके दिख तो गया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया भाई ये तो। सो गाइस मैंने एक्चुअली में इसको तो भाई मैंने दोनों को एक साथ असासिनेट कर दिया, उसके गार्ड को भी मार दिया मैंने, अगर किसी ने नोटिस किया ना हो ना। वेयर इज याकोबो? नथिंग टू फियर आई सपोज। हे भगवान, मुझे पता है इसमें से बुड्ढों से बात करना अच्छा लगता है इस गेम के। ऑनेस्टली ब्रो ताला पाउरा रेक
acquiescat in pace. वो बंदा भी बिना और लोगों को धमका रहा था इस बंदे को, स्पेशली इस बंदे ने. हाँ भाई ठीक है, जाने दो मेरे को अब, ठीक है. वैसे भी पता इतनी छोटी तो तुम्हारी हेल्थ है, उखाड़ के सकते हो तुम लोग. आना सामने आ जाओ, मैं नहीं डरता तुम लोगों से, सामने खड़ा हूँ मैं तुम्हारे. आ जाओ, आना किसी को आ जाओ, मैं नहीं डरता, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ठीक है. आ जाओ, जिसको आना आ जाओ, मैं नहीं डरता, मैं बिल्कुल ही डरता, ठीक है. सो गाइस एक्चुअली क्या हुआ ना, देखो जो सवालती है ना, एक्चुअली वो ना उसने एक विला में अपने को बंद कर लिया. बट प्रॉब्लम पता क्या थी, हमारे को ना गेट को खोलना है जिससे कि हम लोग ना अपने मर्सनरी को ना अंदर बुला ले. बट प्रॉब्लम पता क्या है ना कि इन्होंने ना गेट को बंद कर रखा है. बट फिलहाल अभी हम लोग खोल देंगे, है ना, क्योंकि वो हमारा अधिकार है. बट अभी फिलहाल तो हमारे को सबसे पहले ये देखना है कि कैसे, क्योंकि ऐसे नहीं होता ना कि जैसे तुम चाहो वैसी चीज़ें हो जाए, वैसे हर चीज़ वर्क नहीं करती, है ना. तो बस एक तरीके से एक तरीका देखना पड़ेगा हमारे को, है ना. और आई थिंक मैंने, हाँ मेरे को तरीका तो मिल गया, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स हाउ इट्स सपोज टू वर्क. ठीक है, ठीक है, या इट्स नॉट सपोज टू वर्क लाइक दैट. भाई मेरे को रुक जाओ, भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, पहले मेरे को ये खोलने दो, ठीक है. मेरे को पहले ये खोलने दो, फिर मैं करता हूँ. तो गाइस अभी मैं एक्चुअली मैं इन सबको उड़ा दिया, ठीक है. मार के देखो, तुम लोग नहीं मार सकते मेरे को. ओके अभी क्या हुआ, एकदम से डिसिंक्रोनाइजेशन हो गया क्या? अभी ये बंदा फाइट कर रहा था, मेरे को लगा ये बंदा कुछ पेजेंट है, मतलब वो नहीं होते वो फार्मर कि भाई हम लोग भी अपने घर को बचाने चलते हैं. मुझे लगा वो है ये भाई, मुझे कहीं से नहीं लग रहा है, तो भाई कैदी लग रहा है. अब कैदी या फार्मर नहीं होते जो कि लड़ने आ गए. मैं तो भाई गलती से कर दिया, तुझे भी आती है डॉजिंग इस टाइम पर? तुझे कैसे आती भाई डॉजिंग, मुझे बता. तुझे मेरे से पहले कैसे डॉजिंग आ गई यार? हाँ चलो भाई मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, ठीक है, सायोनारा, मैं जा रहा हूँ. सो गाइस अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. हमने इस वीडियो के अंदर जितने भी लाइक इसके कॉन्स्पिरेटर्स हैं, इस जो इसके अंदर काम करते थे, उन सबको उड़ा दिया है, ठीक है. मतलब अभी आई थिंक जितने भी बंदे थे ना, लाइक जो आउटर बाउंड्रीज पे हैं, सब कुछ उड़ चुके हैं. अब बस जो एटम, सॉरी मैं क्या बोल रहा यार, सही में पता ऐसा लगता है कोई एटम वगैरह का सेल है, छोड़ दो एक्चुअली, नहीं सॉरी मॉलिक्यूल है कोई बंदा, है ना. मतलब लिटरली भाई अभी बस दो तीन और वो लगा दो, या तो ये शारिंगन लगने वाला है, पता नहीं क्या लगने वाला है, बट जो भी है. तो हमने इस गेम का, इस एपिसोड के अंदर जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स वगैरह थे, इन सबको उड़ा के मार दिया है. एंड जो अभी जो बच रहे हैं वो कोई नहीं बच रहे, ठीक है. और एक फिर हमारा नेक्स्ट एपिसोड में आई थिंक हम लोग अपने अंकल के पास जाएंगे बताने की, देखो हमने क्या काम किया है. आई थिंक वही होने वाला है, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं है, है ना. बाकी मैं एक्चुअली में जो असैसिन 2 मैंने ये एक्चुअली मैं एक बार चेक कर लूँगा फिर भी, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. मतलब ये वाली तो फिर भी हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है. ये वाली अभी हम लोग बाद में करेंगे. और अब मैं भाई सोने जा रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ 1 बज रहे हैं, और मैंने रिकॉर्डिंग 9 बजे के आसपास स्टार्ट करी होगी. लिटरली भाई बहुत टाइम हो गया स्टार्ट करे हुए. एक्चुअली हाँ भाई 9 बजे ही स्टार्ट करती, 9:30 तक मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, और अब 1 बज रहे हैं भाई, मैं थक चुका हूँ पता करते करते. तो बस अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं अभी इस वीडियो में बस, ठीक है ना. और कुछ नहीं करना है, है ना. तो बस नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो भी ये कह रहे हैं वो हम करेंगे. एंड बाकी अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना है तो प्लीज़ करिएगा. तो मैं बस जा रहा हूँ, एक और मैं एक्चुअली सोने जा रहा हूँ, ठीक है ना. एक और वीडियो तो छोड़ ही दो अभी, ठीक है. तो चलो ठीक है, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है.